In this part, the physical features of India, we are going to discuss the regional classification of the Himalayas. R.L. Singh, Burad, Chatterjee जैसे प्रमुख विद्वानों ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है. First, we will see the regional classification of the Himalayas given by Professor R.L. Singh. On the basis of relief, alignment of the ranges and other geomorphological features, the Himalayas can be divided into three subdivisions. धरातलीय स्वरूप, श्रेणियों का विस्तार और अन्य भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने हिमालय के तीन मुख्य भाग बताए हैं. फर्स्ट, द वेस्टर्न हिमालयस, पश्चिमी हिमालय जो सिंधु नदी से सतलज नदी तक विस्तृत है. इसके इन्होंने दो भाग किए हैं. पहला, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर हिमालय और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस. यह 700 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला है. इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है. इसका विस्तार मुख्यतः कश्मीर में है. दूसरा है हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय. इनकी लंबाई 570 किलोमीटर और क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर. द सेकेंड सब डिविजन इज द सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय. इनका विस्तार सतलज नदी से तिस्ता नदी तक है. इसको आर.एल. सिंह साहब ने फिर दो प्रमुख भागों में बांटा है. कुमायूं हिमालय जो कि सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबा और 3800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है. दूसरा, नेपाल हिमालय जिनका विस्तार काली नदी से तिस्ता नदी तक है, 800 किलोमीटर लंबे, 1,16,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत. द थर्ड उप डिविजन इज द ईस्टर्न हिमालयस या पूर्वी हिमालय. ये तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पाए जाते हैं, विस्तृत हैं. इनके तीन उपभाग हैं. पहला, द दार्जिलिंग भूटान हिमालयस. इनका विस्तार पश्चिमी बंगाल और भूटान में पाया जाता है. दूसरा, असम हिमालयस जो मुख्यतः असम में पाए जाते हैं. तीसरा, पूर्वांचल. इनका विस्तार सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में पाया जाता है. इन दिस मैप वी कैन सी द रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयस जो कि बुराड ने दिया था. नदी घाटियों के आधार पर उन्होंने इसे चार मुख्य क्षेत्रों में बांटा था. पहला, पंजाब हिमालय. दूसरा, कुमायूं हिमालय. तीसरा, नेपाल हिमालय और चौथा, असम हिमालय. In this slide, we are going to discuss the regional classification of the Himalayas given by Sidney Burand on the basis of the river valleys. Nadi ghatiyon ke aadhar par Burand ne Himalaya ko char vistrit bhagon mein baanta tha. Himalaya kshetra ka purvi pashchimi disha mein char mukh pradeshik bhagon mein vibhajit kiya. पश्चिम से पूर्व की ओर इनके भाग हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पंजाब हिमालय. पंजाब हिमालय सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच के पर्वतीय भाग हैं. इनका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है. कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इन्हें और इनकी लंबाई 560 किलोमीटर है. मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम,
लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, यासगर, जौंजिला दर्रा इन हिमालय श्रेणियों में पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई है 3,444 मीटर। दूसरा विभाग है आपका कुमायू हिमालय। यह सतलज नदी से काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायू हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। प्रमुख चोटी नंदा देवी जो 7,817 मीटर ऊंची है। अन्य चोटियां हैं कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। गंगा जमुना जैसी महान नदियों का उद्गम इस हिमालयन क्षेत्र में हुआ है। तीसरा भाग है नेपाल हिमालय। यह काली नदी से तिस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर लंबा भाग है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में है, इसलिए इन्हें नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। यह चोटी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियां हैं कंचनजंगा, मकालू, कंचनजंगा द्वितीय, धौलागिरी, कुटंग प्रथम और अन्नपूर्णा। यहाँ पर काठमांडू की प्रसिद्ध घाटी भी पाई जाती है। नेक्स्ट इज असम हिमालय। असम हिमालय तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है। इसका लंबाई है 7,050 किलोमीटर। इसका मुख्य भाग असम में है, इसलिए इसे असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अन्य क्षेत्रों में जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी यह विस्तृत है। नामचा बरवा, कुला कांगड़ी प्रमुख चोटियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। मुख्य नदियां हैं इस क्षेत्र की ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग। हिमालय की विभाजन एसपी चटर्जी ने भी किया है। एसपी चटर्जी ने 1964 के अंदर अपना विभाजन प्रस्तुत किया था और इस विभाजन में इन्होंने हिमालय क्षेत्र को तीन भागों में बांटा था। पहला द वेस्टर्न हिमालय या पश्चिमी हिमालय, जिसमें कश्मीर, पंजाब और कुमायूं क्षेत्र वाले हिमालय आते हैं। दूसरा सेंट्रल हिमालय और मध्य हिमालय, यह मुख्यतः नेपाल हिमालय को सम्मिलित करता है। तीसरा है ईस्टर्न या पूर्वी हिमालय, इसके अंदर उत्तर पूर्वी हिमालय के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हिमालयस। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के मध्य क्या क्या अंतर है, दोनों की विस्तार में और उनमें क्या अंतर पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में सिंधु नदी से काली नदी तक विस्तृत है। पूर्वी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्व में तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। सेकंड डिफरेंस इज कि पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे श्रृंखलाओं के क्रम में बढ़ती है। दे हैव लोअर ऑन ग्रेजुअल स्लोप्स। इसके विपरीत पूर्वी हिमालय की ऊंचाई बिहार और पश्चिमी बंगाल के मैदानों में एकदम बढ़ जाती है। दैट इज दे हैव हायर एंड स्टीप सडन स्लोप। थर्डली पश्चिमी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम है। पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति मुख्यतः अल्पाइन या कोणधारी वन है।
पूर्वी हिमालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय उच्च अक्षांशों में विस्तृत होने के कारण ठंडे क्षेत्र हैं, अतः हिमरेखा कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके विपरीत पूर्वी हिमालय निम्न अक्षांशों में है, कम ऊंचाई वाले होने के कारण हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमालय का जियोलॉजिकल डिवीजन। जियोलॉजिकल डिवीजन यानी कि भूगर्भिक विभाजन, चट्टानों की एज ऑफ फॉर्मेशन और उनके प्रकारों के आधार पर हिमालय के चार भाग किए गए हैं। फर्स्ट इज द टिबेटन जोन, महान हिमालय के उत्तर में विस्तृत पैलाजोइक से इओसीन युग में निर्मित जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं। द सेकेंड इज द सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय, ये महान हिमालय और लघु हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, नीज, शिष्ट जैसी कायांत्रित चट्टानों के साथ साथ पौराणिक युग के अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। थर्ड इज नेप जोन या नापे जोन, जो मुख्यतः कश्मीर, हिमाचल और गढ़वाल क्षेत्र के हिमालय की विशेषता है। यहाँ पर पुरानी चट्टानों के ऊपर नई चट्टानों की परतें पाई जाती हैं। द लास्ट इज द सब हिमालयन और द आउटर जोन, बाहरी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र में विस्तृत टर्शरी युग की अवसादी चट्टानें, जो मुख्य हिमालय क्षेत्रों से अप्रदित होकर जमा हुई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिमालय की विशेषताएं क्या हैं और हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। हिमालय क्षेत्र जो है भारत की ऊपर अपनी अलग छाप छोड़ता है। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट हिमालय का प्रभाव वो है जलवायु के ऊपर पड़ता है। हिमालय पर्वतमाला हमारे देश में, भारत में चलने वाली पवनों की गति, दिशा और उनके द्वारा आने वाली वर्षा को नियंत्रित करती है। मानसूनी पवनों के मार्ग में खड़ा हिमालय उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे भारत में वर्षा होती है। इसके अलावा उत्तर से आने वाली हवाओं, ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश से रोकता है। दूसरा, देश की सुरक्षा आक्रमणकारियों से पुरातन काल में हमारी सुरक्षा की। तीसरा, नदियों का सूत्र, सभी बड़ी नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सारी सहायक नदियां हिमालय क्षेत्र से ही निकल कर आती हैं और इन नदियों ने हिमालय से बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी लाकर भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किया है। इसीलिए इस मैदान को हिमालय का वरदान या द गिफ्ट ऑफ हिमालयस कहा जाता है। भारत का जल विद्युत भी हिमालयन क्षेत्र से उत्पन्न किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कई स्थानों पर जलप्रपात बनाती है, जिससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। शारदा, गंडक, कोसी नदियों का प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, गंगा नदी पर तेहरी परियोजना जल विद्युत के उदाहरण हैं। वन संपदा से हिमालय भरपूर है, देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस आदि के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। कई जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, औषधियाँ बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। हिमालयन क्षेत्र में पशुओं के लिए भी उत्तम चारा प्रदान करने वाले घास के मैदान पाए जाते हैं।
जिन्हें गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुमायूं में पयार के नाम से जाना जाता है। भाटिया और लामा लोग अपनी भेड़ बकरियां भी इस क्षेत्र में पालते हैं। इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ढालों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है और उनके अंदर कृषि की जाती है। चाय जैसे फसल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। विश्व में भी यहाँ पर उगाने वाली चाय जो है पाई जाती है। इसके अलावा सेब, आड़ू, नारंगी, नाशपाती और बादाम, अखरोट, चिलगोजा आदि भी हिमालयन क्षेत्र में उत्पन्न किए जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखें या सुंदरता स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्रों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिमालय सबसे पहले देश भर में और विश्व भर में विख्यात है। श्रीनगर, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि यहाँ के प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक और पर्यटक स्थल है। ग्रीष्मकाल में लाखों पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र में कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे टर्शरी युग की चट्टानों के अंदर तेल पाया जाता है। अल्मोड़ा और सिक्किम में तांबा, कश्मीर में कोयला और लद्दाख में सोना के भंडार हैं। हिमालयन क्षेत्र का धार्मिक महत्व भी है। हिंदुओं के प्रमुख धर्म स्थल, धार्मिक स्थल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ज्वालामुखी, वैष्णो देवी, उत्तराकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि कई प्रकार के यहाँ पर हिंदू धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे द टिबेटन कल्चर या द हिमालयन कल्चर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। इन द मैप वी कैन सी द एक्सटेंशन ऑफ वेरियस कल्चर्स इन द हिमालयन रीजन। इन कश्मीर वी कैन सी द एक्सटेंट ऑफ द टिबेटन कल्चर, द इस्लामिक कल्चर एंड द हिंदू कल्चर। इन नेपाल थ्री डिफरेंट रीजन्स कैन बी सीन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द टिबेटन और द लामिस्ट कल्चर। द सेकेंड इज द इंटरमीडिएट ऑफ द टिबेटन एंड इंडिक कल्चर एंड द थर्ड इज द हिंदू कल्चर। इन भूटान वी कैन सी द टिबेटन और द लामिस्ट कल्चर। In the northeastern Himalayan region, we can see a different and a clear-cut tribal culture.